और खबर बरेली से है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के तत्वावधान में मसाले जुलूस निकाला गया है। उनकी मांगों को लेकर जल्दी विचार नहीं किया जाएगा तो बिजली आपूर्ति बाधित भी हो सकती है। इस मौके पर संयोजक इंजीनियर गौरव शर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए लिखित समझौते का क्रियान्वयन नहीं होने पर बिजली कर्मी आक्रोशित हो गए हैं। पूर्व बिजली कर्मचारियों ने भी बताया है कि अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई थी कि वह प्रभारी हस्तक्षेप करें और समझौते का क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने बताया कि आंदोलन का अगला चरण 15 मार्च से शुरू किया जाएगा और 16 मार्च तक हड़ताल रहेगी। मेरे प्यारे मीडिया साथियों, आज यहाँ बरेली गांधी उद्यान पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे के सारे बरेली जनपद के सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मी यहां पर एकत्र हैं। इसका कारण है 3 दिसंबर 2022 को जो समझौता लागू किया था हमारे पिछले आंदोलन के उपरांत, वो समझौता अभी तक लागू नहीं किया गया है। 3 दिसंबर को ऐसे ही एक आंदोलन के फलस्वरूप माननीय ऊर्जा मंत्री ने और पावर कॉरपोरेशन के उच्च प्रबंधन ने एक समझौता किया था, जो कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी एवं माननीय शरद दुबे साहब के साथ, वो समझौता आज तक लागू नहीं हुआ, जिससे सारा का सारा बिजली कर्मचारी आज आक्रोशित है, आज परेशान है।